अब इसके बाद हम लोग देखते हैं माइंड मैप। माइंड मैप में हम पढ़ेंगे दो चीज़, दैट इज़ आर्ट्स एंड दूसरा है आर्किटेक्चर। अब इसमें डिफरेंस क्या है? आर्ट्स मतलब हमें ऑलरेडी पता है यार, बहुत हम लोग CCRT वेबसाइट या बहुत सारे वीडियोज़ में दे रखा है सब लोगों ने कि आर्ट्स मतलब विजुअल आर्ट्स होते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं, ये सारे ब्ला 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 बहुत सारे आर्ट्स होते हैं। उसमें डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, पपेट्स, मार्शल आर्ट्स वगैरह ये सारे होते हैं। बेसिकली उनका कल्चर होता है ये, वो लोग कैसे रहते हैं, खुद का एंटरटेनमेंट कैसे करते हैं, हॉबीज़ क्या होती है उनकी, ये सब आर्ट्स का पार्ट है। और आर्किटेक्चर मतलब वो लोग जहाँ रहते हैं, स्कल्पचर आर्किटेक्चर का पार्ट है, ठीक है, विजुअल आर्ट्स का पार्ट है, बिल्डिंग्स विजुअल आर्ट्स का पार्ट है, आर्किटेक्चर भी विजुअल आर्ट्स का पार्ट है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन आर्ट्स एज वेल एज आर्किटेक्चर। अब ये डिफरेंस के बाद हम लोग देखते हैं कि स्टोन स्टैचूज क्या थे। सबसे पहले तो आर्ट्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्टोन स्टैचूज। तो स्टोन स्टैचूज वेर प्रेजेंट मोस्टली इन हरप्पा एंड मोहनजोदारो। इसके दो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट इज टॉर्सो इन रेड सैंडस्टोन। ये रेड सैंडस्टोन मतलब एक प्रकार का स्टोन है। आप नेट पे सर्च वर्च मत कीजिएगा, अगर क्यूरोसिटी से टाइम फ्री है तो करें, कर सकते हैं, वरना आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद रखिए, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा यार, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है। आप इकोनॉमी एनवायरनमेंट उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आर्ट्स आर्किटेक्चर कल्चर वगैरह इन सब में आप लोग इतना टाइम देते रहोगे जितना रिक्वायर्ड नहीं है तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और ये एफिशिएंट पर्सन की क्वालिटी नहीं है। एफिशिएंट पर्सन वो होता है जो जिसे पता होता है कि इतना टाइम मुझे इस सब्जेक्ट को देना है, इतना टाइम मुझे उस सब्जेक्ट को देना है। तो इकोनॉमी एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। प्लस आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हम लोग आपको जितना कवर करा रहे हैं, जितना टाइम हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो ये वीडियो के बाद आप टाइम पास नहीं करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे, आर्ट एंड कल्चर पे। फिर ब्रॉन्ज कास्टिंग, ब्रॉन्ज कास्टिंग मेटल कास्टिंग सेम ही होता है, ब्रॉन्ज क्योंकि कॉपर इज़ अ मेटल एंड ब्रॉन्ज इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर, ठीक है, कॉपर प्लस टिन इज इक्वल टू ब्रॉन्ज। देन ब्रॉन्ज कास्टिंग जो है, जो मेटल की जो मूर्तियाँ होती थी छोटी छोटी सी, ये लोग बनाते थे लॉस्ट वैक्स टेक्निक से। अब लॉस्ट वैक्स टेक्निक मतलब क्या होता है, नाम में ही लिखा है कि भाई वैक्स लॉस्ट हो जाता है। पहले ये लोग क्या करेंगे, वैक्स लेंगे, वैक्स का एक फिगर बनाएंगे, जैसे जो डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो है वो मैं बताऊंगा इन्होंने कैसे बनाया है। मोहनजोदारो की जो डांसिंग गर्ल है वो फोटो में बहुत बड़ा दिखाते हैं, वो लोग कमर में हाथ रखे हुए हैं ऐसे वैसे, वो सब फोटो में बहुत बड़ा दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल साइज़ अब आप अगर दिल्ली में रहते हो तो आप नेशनल म्यूजियम बिल्कुल जाइएगा आफ्टर लॉकडाउन, उसमें आपको पता चलेगा कि यार एक उंगली के साइज़ की है ये डांसिंग गर्ल, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब इन्होंने कैसे बनाया है वो, सबसे पहले तो वैक्स का फिगर बनाएंगे, बनाने के बाद इन्होंने उसे क्या किया, वैक्स के फिगर को बाहर से इन्होंने क्ले से कवर कर लिया, क्ले से कवर करने के बाद में उन्होंने उसे जला दिया, ठीक है। जलाने के बाद बर्नड क्ले हो गया, क्ले तो गिलेगा नहीं, मेल्ट नहीं होगा, तो वैक्स गॉट मेल्टेड, ठीक है। आफ्टर द वैक्स गॉट मेल्टेड इट केम आउट ऑफ द होल दैट वॉज प्रेजेंट इन द फिगर। तो वो होल से तो दैट वैक्स केम आउट, वो वैक्स निकल गया। अब वो वैक्स जो निकला था उसमें हॉलो क्रिएट हो गया, हॉलो में उन्होंने क्या किया, जिस मेटल दैट इज़ ब्रॉन्ज, अगर ब्रॉन्ज का स्टैचू बनाना है तो ब्रॉन्ज के मेटल को पहले उन्होंने मेल्ट किया और उस होल से भर दिया उसे, जैसे हम लोग बॉटल में पानी भरते हैं वैसे ही सिमिलरली, और भरने के बाद में बाहर का जो क्ले है वो तोड़ दिया ठंडा होने के बाद ऑब्वियसली। तो ये तो हुआ लॉस्ट वैक्स टेक्निक। अब इसमें बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स वेयर मेड। ह्यूमन फिगर्स आर नोन एज डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो, एज वेल एज एनिमल फिगर्स का एग्जाम्पल है बुल एट कालीबंगन। लेटर स्टेजेस में देर आर ऑल्सो मेटल कास्ट ऑफ टेरेकोटा फिगराइंस, दैट इज मदर गॉडेस। पहले ये टेरेकोटा फिगराइन थे, टेरेकोटा मतलब बर्नड क्ले, ठीक है ना, तो क्ले बर्नड क्ले के जो फिगराइंस थे उन्हीं को इन्होंने मेटल कास्ट कर दिया। एग्जाम्पल है दाइमाबाद महाराष्ट्र में। इसके बाद आता है टेरेकोटा फिगर्स। टेरेकोटा फिगर्स ये याद रखिए कि इंडस वैली में ये क्रूड थे, ठीक है, क्रूड मतलब इतने ज़्यादा टेक्निक्स में वगैरह बेटर नहीं थे, लेकिन गुजरात कालीबंगन इस एरिया में बहुत अच्छे से बनते थे, तो इसमें डिफरेंस आप लिख सकोगे। ब्रॉन्ज कास्टिंग ये याद रखिएगा कि ब्रॉन्ज कास्टिंग और जो अभी और इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम सेम ही था, तो ये आप वो क्वेश्चन मेंस के क्वेश्चंस का आंसर हो गया। उसके बाद उसके टेरेकोटा फिगर्स के एग्जांपल क्या थे, मदर गॉडेस, टॉय कार्ड्स, डिस्क, मास्क वगैरह ये सब। फिर उसके बाद आता है सील। सील मतलब जो हमने ऑलरेडी मैप वाले फोटो में देखा था। सील वाज मेड मोस्टली ऑफ स्टीटाइट। स्टीटाइट ये स्टोन का ही प्रकार है। अलग अलग भी सील्स थे, दैट इज़ अगैट शर्ट, कॉपर, फाइंस, देन टेरेकोटा, ये सब भी थे।
प्लस कुछ कुछ गोल्ड और आइवरी में भी बने थे लेकिन आयरन में नहीं बने थे। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप अगर देख सकते होंगे, ठीक है, ऋग्वेदिक आर्यन सेकंड, इसमें 2017 का पेपर है और 2017 के पेपर में सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे। ऋग्वेदिक आर्यन न्यू गोल्ड सिल्वर कॉपर वेराज इंडस वाले पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयन। तो आयन इनको पता नहीं था, ये सेकंड ऑप्शन वैसे ही कट हो गया, तो बी एंड डी ऑप्शन कट हो गया, बचा ए और सी। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि थर्ड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद ये ध्यान रखेंगे कि एनिमल्स कौन कौन से प्रेजेंट थे इस सील्स में। सील्स में अब एक्चुअली क्या क्या थे, सील्स जो था ना वो क्या होता है ना कि अगर हम ट्रेड करते हैं, हम लोग कहीं जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग उस आदमी के साथ ट्रेड के बैगेज के साथ हम लोग एक सील भेजेंगे कि भाई हम, ये आईडी टाइप ही हो गया ना ये, कि हम लोग सील भेज दिया आपको तो ये सील दोगे आप और आप पैसे लेके वापस आ जाओगे। तब तो बार्टर एक्सचेंज था, पैसे करेंसी तो थी नहीं, तो बार्टर एक्सचेंज लेके वापस आ जाओगे आप। तो ये हुआ इसका कमर्शियल पर्पस। इसमें पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी था, जैसे अगर आप ये सील देखते हैं, वन सेकेंड, ठीक है, ये सील देखते हैं, इसमें पिक्टोग्राफिक ये है सिम्बल्स और स्क्रिप्ट है जो राइट टू लेफ्ट है, लेकिन वो अब तक डिसाइफर हुई नहीं है। उसके एग्जाम्पल से यूनिकॉर्न सील, और जो ये है दैट इज़ पशुपति सील, इसका मैंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। इट इज़, इसमें कौन कौन से एनिमल्स थे, टाइगर, एलिफेंट, बुल, राइनो, दो एंटीलोप्स, ठीक है, और साथ में एक्स वाई जेड, मतलब ये स्क्रिप्ट है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, तो ये इसमें सील में प्रेजेंट थी। उसके बाद आती है पॉटरी। पॉटरी ये लोग व्हील मेड बनाते थे, दैट इज दैट दे मेड पॉटरी यूजिंग व्हील, तो व्हील वॉज प्रेजेंट एट दैट टाइम। पॉटरी वॉज यूज फॉर डेली यूज। प्लेन पॉटरी वॉज इन वोग मोर देन द पेंटेड पॉटरी, तो ये लोग पेंट दे वर यूज्ड बट इन द लेस क्वांटिटी, ठीक है, प्लेन पॉटरी ये लोग ज़्यादा यूज़ करते थे, और प्लेन पॉटरी में भी ये लोग रेड क्ले ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। सेकेंड इज ऑर्नामेंट्स एंड बीड्स, ठीक है, सिक्स पॉइंट। अब ऑर्नामेंट्स एंड बीड्स जो है उससे इनका फैशन सेंस या फिर इनका वे ऑफ लाइफ पता चलता है, ठीक है। अब वे ऑफ लाइफ क्या था इनका, बीड इंडस्ट्री थी चानुदार एज वेल एज लोथल में, ठीक है, मैपिंग आप देख लेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। फिर इट वॉज मेड ऑफ कॉर्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट, लपिस लेजुली, कॉपर, गोल्ड, फायंस, टेरिकोटा। तो ये आप सिंपल याद रखेंगे कुछ चीज़ें, लपिस लेजुली आप याद रखेंगे क्योंकि ये यहाँ का नेटिव नहीं है, वो इम्पोर्ट होता था। फिर ऑर्नामेंट्स ये लोग पहनते थे, नेकलेस, एमुलेट्स, रिंग्स वगैरह ये सब। और ये बनते किससे थे, इट वॉज मेड ऑफ प्रेशियस मेटल्स टू बोन एंड बेक क्ले, ज्वेलरी होती थी इनके पास में। फैशन कॉन्शियस थे ये लोग, फैशन कॉन्शियस कैसे, तो सिनेबार वॉज टू बी यूज एज कॉस्मेटिक, तो फेस पेंट, लिपस्टिक, आई लाइनर वगैरह ये लोग सब लगाते थे, तो फैशन कॉन्शियस ऑब्वियस थे, हम भी फैशन कॉन्शियस है, तो ये भी एक आंसर का पॉइंट हो गया। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, वॉट इज द सिमिलैरिटीज बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन एज वेल एज दिस सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, प्रेजेंट सिविलाइजेशन। ये जो सिमिलैरिटीज है, ये छोटे छोटे पॉइंट जो है वो आपको यूनिक बनाएगी बाकियों के आंसर्स से, और इसी वजह से आपको 2 से 3 मार्क एक्स्ट्रा एज मिलेगा इन पर क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन में भी आपको 2 से 3 मार्क्स ज़्यादा मिल गए ना बाकी लोगों से, तो आप मेंस में टॉप 100 रैंक में आओगे, ठीक है, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा ये। देन ये लोग स्पिंडल्स बहुत सारे पाए गए थे यहाँ पे, स्पिंडल्स वेर यूज टू मेक कॉटन एंड वुल क्लोथ्स, तो वुलन क्लोथ्स आए थे इसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक पार्ट ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन। We'll read this architecture in 2 parts. The first is macro part और second is house. ठीक है, तो ये जो part है वो house है, और ये है, ये city का map है, that is town planning, ऐसे समझ लीजिए आप। तो urban planning भी उस time पर थी, तो हम लोग बहुत सारे यहाँ पर अभी courses होते हैं, urban planners की बहुत ज़रूरत है हमें, तो urban planners Indus Valley civilization में भी बहुत थे, ठीक है, इसी वजह से ये town planning इतनी ज़्यादा ahead of times थी, तो ये आप similarity में भी लिख सकते हैं। लेकिन आप अगर ये लिखेंगे कि वी नीड टू लर्न फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन द कंसेप्ट ऑफ टाउन प्लानिंग एंड वी नीड मोर अर्बन प्लानर्स फॉर बेटर एंड सस्टेनेबल सिटीज़, तो वो आपको बहुत काम आएगा एग्जाम में, हैंडी होगी ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो। अब जो आउटर प्लान है, दैट इज़ टाउन प्लान है, वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इट वॉज मेड ऑफ स्टोन, ठीक है, बहुत सारे स्टोन भी होते थे एंड बर्न ब्रिक्स भी यूज़ करते थे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टोन ही, बर्न ब्रिक्स ज़्यादा इस्तेमाल होती थी लेकिन स्टोन भी होता था। सेकेंड इसमें था ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम वॉज वेरी वेल निट, हर एक घर से ड्रेनेज सिस्टम आता था, एक ड्रेनेज होता था और वो रिनोवेट होता था, हर साल क्लीन होता था, वो हर महीने क्लीन होता था, इसी का मतलब है कि वहाँ पे एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी।
जो ये सारे काम करवाती थी। दे यूज ऑर्गेनिक एंड पेरिशेबल मटेरियल्स जैसे मड ब्रेक, मड, बैम्बू, टिम्बर, लीव्स। इसी वजह से वो अब तक सर्वाइव नहीं कर पाया। और आप अगर कोई गया होगा या कोई राजस्थान साइड रहता होगा, गुजरात साइड, उन्हें पता होगा कि ये कुछ भी अवशेष बचे नहीं है इसके। अब डिफरेंस, देर वॉज डिफरेंस ऑल्सो इन द रॉ मटेरियल्स यूज इन सिटीज़ एंड विलेजेस। सिटीज़ में ये लोग स्टोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, बर्न ब्रिक्स का कम इस्तेमाल करते थे या फिर कम ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन विलेजेस में ये लोग मड ब्रिक यूज़ करते थे, ठीक है, बर्न ब्रिक्स यूज़ नहीं करते थे। और स्टोन सिर्फ ड्रेनेज के काम आता था, क्योंकि वाटर प्रूफिंग की ज़रूरत पड़ती थी ना यार, हाइजीन का भी ख्याल रखना होता है, इसलिए उस टाइम पे कोरोना वायरस वगैरह सिचुएशन नहीं होती थी। सॉरी जोक्स असाइड, अब ये जो है हम लोग पढ़ेंगे इसका पैटर्न। पैटर्न में सिटाडेल एंड लोअर सिटीज वेर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी। सिटाडेल मतलब एक रेस्ड प्लेटफॉर्म होता था, एक प्लेटफॉर्म उसके ऊपर रेस्ड एक स्ट्रक्चर होता था जिसमें हायर क्लास पीपल रहते थे, एंड लोअर सिटी में लोअर और मिडिल क्लास पीपल। इसी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन वेर क्लास कॉन्शियस एंड नॉट कास्ट और रिलीजन कॉन्शियस। तो ये तो मिला ही नहीं था, कास्ट और रिलीजन तो पता ही नहीं हमें इनकी, लेकिन ये तो डेफिनेट है कि कास्ट क्लास कॉन्शियस थे। प्लस पब्लिक वेल्स वगैरह भी थी लोअर सिटीज़ में, जो घर वगैरह थे, इट वॉज मेड एट 90 डिग्री ग्रिड पैटर्न, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बट इट वॉज नॉट फिक्स्ड। कुछ एरियाज थे जिसमें ये जो लोअर सिटी है, लोअर सिटी के अंदर ही सिटाडेल था, और कुछ एरियाज जैसे ढोलावीर ये था जहाँ पे सबर्ब भी था। सबर्ब ये ज्योग्राफी ऑप्शनल में कंसेप्ट है, तो आप ज्योग्राफी ऑप्शनल में इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी एग्जांपल डाल सकते हैं, ठीक है। और ढोलावीरा में क्या था, तीन पार्ट थे, सिटाडेल, लोअर टाउन एज वेल एज मिडल टाउन। तो ये तीन पार्ट थे, क्यों, क्योंकि वो मैरीटाइम रूट था, इस वजह से उन्हें पॉपुलेशन ज़्यादा थी, डिमांड ज़्यादा थी, इस वजह से इन्हें सबर्ब क्रिएट करना पड़ा ढोलावीरा में। फिर हम लोग देखेंगे इसके इंडिविजुअल घर। इंडिविजुअल घर में क्या होगा, जैसे विलेज एरिया में या रूरल एरिया में आप लोग जाएंगे, आपको पता चलेगा कि एक बड़ा सा बीच में एक बहुत बड़ी जगह होती है जहाँ पे तुलसी का पेड़ होता है बीच में, ठीक है। तो वैसे टाइप में इनके यहाँ पे कोर्टयार्ड था, डेट इज एक ओपन स्पेस थी जहाँ पे ये लोग काम करते थे, और उसी में तंदूर भी होता था। तो तंदूर का अभी भी हम लोग तंदूर की रोटी खाते हैं, तो इट वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन ओनली। ऑल्सो भिराना हरियाणा में ये मिला है तंदूर। उसके बाद में फेस, जो मतलब जो इसका जो मेन दरवाज़ा था, दैट यूज टू बी फेस्ड ऑन द साइड लेन्स एंड नॉट ऑन द दिस, दैट इज़ मेन रोड। साइड लेन्स में इनका मेन दरवाज़ा होता था। ये एक स्टोरी या फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर दो ही तरह के होते थे, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर तक ही होता था। विंडोज़ वेर वेंटिलेटेड एज वेल एज शटर्स वेर देयर फॉर वेंटिलेशन, एंड प्राइवेसी का ये लोग बहुत ख्याल रखते थे। देर वर ऑल्सो क्वार्टर्स एंड यूनिफॉर्म ब्रिक साइज होती थी इनकी, 1:2:4। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे लास्ट पार्ट, दैट इज़ ग्रेट बाथ एज वेल एज ग्रेट ग्रैनरी का डिफरेंस। ग्रेट बाथ जो था वो मोहनजोदड़ो में था, इट वॉज वेरी वाटर टाइट टैंक, ठीक है। जो मूवी है मोहनजोदड़ो, इसमें आप देखेंगे कि भाई ऋतिक रोशन डांस वांस कर रहा है, वो ग्रेट बाथ का ही पार्ट है। इट वॉज यूज फॉर पब्लिक फंक्शंस, क्योंकि उस टाइम पब्लिक फंक्शन ही चल रहा था वो मूवी में। सॉन्ग अगर आप देखोगे यूट्यूब पर, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होता था उस टाइम पर। कॉलेज ऑफ प्रीस भी कहते थे कोई ग्रेट बाथ को, क्योंकि वो पब्लिक फंक्शन में यूज़ होता था, रिचुअल्स में यूज़ होता था, इसीलिए। ये सब हिस्टोरियंस की इंटरप्रिटेशन है। ग्रेट ग्रैनरी भी एक पार्ट है जिसमें 6 हॉल्स प्रेजेंट थे, लेकिन एविडेंस कोई है नहीं ग्रेन का, तो इसलिए ये दिस इज़ अ मिस्ट्री। और ये सारा जो लैंग्वेज है, ये मेरा लैंग्वेज नहीं है खुद का, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, हम लोग आपको जस्ट बता रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, आई होप यू लव दिस लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सबके साथ में, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा मोटिवेशन उसी से है। अगर आपको पसंद आ रहा है, आप अगर कमेंट करोगे, कोई इम्प्रूवमेंट्स अगर आप बताओगे, फीडबैक दोगे, तो हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे। थैंक यू गाइस, जय हिंद।